दिल्ली कोरोना की बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त झेल रही है। फिलहाल इससे राहत के कोई संकेत भी नहीं है। आशंका तो यहां पर यह तक जताई जा रही है कि आने वाला वक्त और भारी दिल्ली के लिए पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ेंगे, उसके साथ ही अस्पतालों के इंतजाम कम पड़ सकते हैं। दिल्ली में कोरोना का मैराथन रेस चल रहा है। वायरस भागा जा रहा है पूरी रफ्तार में, कोई भी उपाय उस पर असर नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। आंकड़ों ने बता दिया कि दिल्ली की हालत कितनी बदतर है। 24 घंटे में दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा 2137 मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में सबसे ज्यादा 71 मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 36,824 हो चुकी है, जिसमें 22,212 केस अभी एक्टिव हैं। दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा 1,214 हो चुका है। ये तो दिल्ली सरकार की जारी किए आंकड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस रफ्तार से ये घातक दुश्मन संक्रमण फैला रहा है। अभी मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। अहमदाबाद में जहां आंकड़े 31 दिनों में, मुंबई में 26 दिनों में, पुणे में 23 दिनों में और चेन्नई में 16 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं, दिल्ली में मात्र 15 दिनों में ही मामले 100% बढ़ रहे हैं। तेज दौड़ती दिल्ली में कोरोना के मामले भी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामलों का सामने आना ये बताता है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी में हालात किस तरह से बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि बेड का इंतजाम करना और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। दिल्ली की हालत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में महाराष्ट्र नंबर वन है। वहाँ जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 15.28% केस कोरोना संक्रमित हैं, जबकि दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर है। वहाँ कुल टेस्ट में से करीब 12% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। गुजरात तीसरे नंबर पर है। वैसे आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में काफी कम टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ICMR की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। जैसे हमने पोजीशंस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने पोजीशंस करके दी हैं, उसके हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि जो 30 जून की पोजीशन है उसकी तैयारी हम 20 जून तक कर लेंगे पूरी, और जो 15 जुलाई की तैयारी है उसको हम 30 जून तक कर लेंगे। बढ़ते कोरोना ग्राफ के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगा है। कहीं बेड का अभाव तो कहीं एडमिशन की मुश्किल। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वक्त रहते स्वास्थ्य सिस्टम को खतरनाक हालात के लिए तैयार करना होगा। केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने दिल्ली में पूरी तरह से सतर्क रहें, तैयार रहें कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी फैसिलिटीज रेडी हैं उन ज्यादा लोगों को एडमिट करने के लिए। हमने स्ट्रेटजी बनाए जिससे हम इस कैपेसिटी को होल्ड एडमिट कर पाए, या फिर उन लोगों को जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है उनको घर पे हम आइसोलेट कर पाए और होम केयर दे पाए। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये वायरस श्रम मंत्रालय में ही पहुंच चुका है। वहां 24 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य 17 हाई रिस्क वाले स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय में भी एक एक मामले सामने आए हैं। उधर बढ़ते खतरे को देखते हुए मशहूर पालिका बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ा है। जिस तेजी से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तमाम जो मार्केट्स हैं वो बंद होने की तरफ चल रही हैं, और इसी वजह से एशिया की जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मार्केट है पालिका बाजार, उसको भी फिलहाल यहाँ के एसोसिएशन ने बंद करने का फैसला लिया है। पालिका बाजार में बेसमेंट में लगभग 400 दुकानें हैं, और ऐसे में मास्क पहनकर बैठना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर एसी भी नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा घुटन होती है। हालात संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदर बाजार जैसे इलाकों का क्या, जहां 8 जून से हमेशा भीड़ ही भीड़ दिख रही है। सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है, ऐसे में सरकार की चुनौती काफी ज्यादा हो गई है। पुनीत शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।